गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। भारतीय स्कूलों में बच्चों को प्रेम सिखाया जाता है। सबसे कर लोकप्रिय जगत में कोई नहीं पराया है, लव टू ऑल, ऑल आर आवर्स, सभी हमारे हैं, कोई गैर नहीं है। ये बाल मानसिकता मैं ग्लोबल कम्युनिटी को इनवाइट कर रहा हूँ डिबेट के लिए और लर्निंग के लिए और विजिट के लिए। बहुत बड़ी बात है कि कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं और सबसे प्रीत कर लो। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, भारत सभी धर्मों का, सभी समुदायों का और पूरी मानव जाति का सम्मान करता है, लगाव रखता है, और हमारे संविधान में इस तरह व्यवस्था की गई है कि भारत सभी धर्मों का पोषण करने में साधक बनेगा, बाधक किसी के नहीं बनेगा। सभी धर्म फले फूले, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रतिनिधियों से कहूँगा और भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी कि जितने भी इस्लामिक, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और दूसरे जो धार्मिक संगठन हैं विदेशों में, विशेष रूप से मैं बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक मोमेंट वाले जो संगठन, राष्ट्रों के, नेशनहुड के जो संगठन हैं, जो राष्ट्राध्यक्षों के जो संगठन हैं, जैसे अरब लीग है, वहाँ भारत भी अपनी दस्तक दी। भारत को अधिकार है, जो उनकी परिभाषा है उसमें से हम बाहर नहीं जा सकते, हम अंदर हैं उसमें और हम वहाँ भाग लेंगे। उसके विकास और भूमिका बढ़ाएं। भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली डेवलप करने वाला देश है, एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा। 56 देशों के साथ जीने का, सबसे बड़ा देश होने का के नाते और सबसे बड़ी इकोनॉमी उन 56 देशों होने के नाते, भारत वहाँ भी भाग ले, बुद्धिज्म में भाग ले और क्रिश्चियन में भाग ले। और मैं सभी से ये कहूँगा, ग्लोबल कम्युनिटी से, कि निश्चित रूप से हम सभी का सम्मान करते हैं और शांति का पैगाम देते हैं। इसके लिए चीनी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज्म में इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारे यहाँ किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस्लाम का, हिंदू का, सिखिज्म का, अगर यह मॉन्क आएगा, बौद्ध भिक्षु आएगा, नफरत कोई नहीं करता, सभी प्यार करते हैं। एक बार आकर देख लीजिएगा, जहाँ एक भी बोध नहीं होगा, गैर बोध भी आपसे प्यार करेंगे। तो हमें धार्मिक स्थली बनाना है, पर्यटन स्थली बनाना है भारत को, कि लोग आकर देखें कि कैसे धार्मिक सौहार्द है यहाँ, कैसे लोग मिलकर जी सकते हैं, ऐसा और लोग भी सीखें। और विशेष रूप से मैं भारतीय जो सेलिब्रिटी, उनको बोला जाता है जो अखबारी चेहरे बने हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि बेटा, तेरा चेहरा अकेला मत बेच, तेरा प्रचार मत कर, तू बहुत बड़ा दुकानदार है, तेरा गोदाम माल से भरा हुआ है, 100 पीढ़ियाँ ख़त्म नहीं कर पाएंगी इस माल को। भारतीयता का प्रचार प्रसार कर, नकली नहीं, असली मुखौटा पहन। लोग ये नहीं शेर की खाल उड़ रखी है, नहीं है, ये लोग ये शेर ये खाल नहीं उड़ रखी इसने, तो निश्चित रूप से जैसे 90 वर्ष के बाद भारतीयों के दिल में, जहन में आज भी भगत सिंह जी के प्रति अटूट आस्था है, ओल्ड इंडिया में नहीं कहूँगा, सिर्फ वर्तमान भारत में नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी शहीद आजम भगत सिंह के प्रति बड़ा सम्मान है उन लोगों में भी, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो मैं भारतीय जो हमारे यहाँ कुछ चेहरे जो बने हुए, उनसे, मैं साथियों से कहूँगा कि आप अपना ज़्यादा प्रसार, व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी के स्थान पर आप वास्तव में हमारी समाज और राष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर बने, कि कम टू इंडिया, लिव इन इंडिया एंड लाइक इंडिया, यानी उन लोगों को यहाँ आने का मौका दिया जाए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हमारे प्रबंधन व्यवस्था में यही सुधार करना है,
चेहरों को राष्ट्र के लिए काम करना है। सुनने में आता है साहब ये अपनी पार्टी के लिए काम करता है, इसके लिए इससे बड़ा कोई हित नहीं है, और ये उस नेता के लिए काम करता है, इसके लिए जनहित को बड़ा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रहित है। ये बातें नहीं आनी चाहिए। मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि अच्छी दूर तक अच्छी साख पहुँचाएँ, अपराध को अंजाम न होने दें, अपराध को आयतित न होने दें। यहाँ उग्रवादी उग्रवादी ज़्यादा नाम नहीं देना है, उग्रवादियों का सिर गोलियों से धुन दिया जाए। राष्ट्र आपके साथ है, कोई व्यक्ति साथ है या नहीं मुझे नहीं पता, राष्ट्र आपके साथ है। उग्रवादियों का सिर धुनने में या किसी को गोलियों बोछानों से उसको रंग देने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसे शांत देश और शांत ही बनाए रखना है। हम सबको इसके प्रचार प्रसार जुट जाना है। बाहर जाएँ तो लोगों को बताएँ कि हमारे यहाँ बड़ी आदर और सम्मान से आगंतुकों देखा जाता है। अतिथो अतिथि देव भव, एक संस्कृत का हमारे यहाँ श्लोक है, किसी वेलकमस को वो जो है एक देव रूप यानी पूजनीय रूप वर्सीबल मानते हैं विजिटर्स को। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, हर आगंतुक को वर्सीबल मानना, पूजनीय मानना, तो बड़ा अच्छा भाव है। और मैं ग्लोबल कम्युनिटी से कहूँगा मूव टू इंडिया। थैंक्स।